हाय फ्रेंड्स, आई एम अनामिका एंड वेलकम टू अनाज रेसिपीज। फ्रेंड्स, आज बनाते हैं एक बहुत ही सिंपल डेजर्ट जो रेगुलरली हम अपने घर में बनाते रहते हैं। तो आइए बनाते हैं मीठी सेवई मेरे स्टाइल में। फ्रेंड्स, टू सब्सक्राइब माय चैनल क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड गेट द रेगुलर अपडेट्स अबाउट माय रेसिपीज। इसके लिए मुझे चाहिए एक कप सेवई। ये सेवई मैंने घर की बनी हुई सेवई ली है, ये बाजार की सेवई से थोड़ी सी मोटी है। मैंने लिया है 1/4 कप घी, 1/2 कप चीनी, 1 कप पानी और 2 कप मैंने लिया है दूध, फुल क्रीम दूध है फ्रेंड्स ये, और थोड़ा सा मैंने लिया है केसर। फ्रेंड्स, ये सेवई घर की बनी हुई मोटी सेवई है, इसलिए मैंने दूध 2 कप लिया है। अगर आप बाजार की सेवई ले रहे हैं तो 1 कप दूध ही काफी है। सेवई के लिए चढ़ा देती हूँ मैं एक पैन, डाल देती हूँ उसमें सेवई। थोड़ी देर हम सेवई को भूनेंगे मीडियम गैस पे, करीब 2 मिनट तक हम इसे ऐसे ही भूनेंगे। फिर डाल देंगे इसमें घी, डाल देते हैं। फ्रेंड्स, घी को इसमें अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भूनना है। फ्रेंड्स, हमें इसे तब तक भूनना है जब तक ये थोड़ा लाइट ब्राउन और ब्राउन शेड में आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये बाजार की सेवई नहीं है, घर की सेवई है, ये थोड़ी मोटी है तो भूनने में थोड़ा टाइम लगता है और हमें इसे लगातार चलाते रहना है जिससे कि ये सारी इवनली आपस बुन जाए। देखिए, ये बुन गई है। अब डालते हैं इसमें पानी, 1 कप पानी डाल देंगे, उसे चला देंगे अच्छे से। करीब 2 मिनट तक इस पानी में हम इसे उबालेंगे। अब डालेंगे इसमें दूध, एक कप दूध और डाल देंगे और इसे चला देंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, दूध आप डालें सेवई के हिसाब से। अगर आप सेवई ले रहे हैं जो वर्मिसेल्स हमें बाजार से मिलती हैं, तो 1 कप दूध ही इसमें काफी है। अब हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि ये इसमें अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। सेवई सॉफ्ट होना जरूरी है, हम इसे चलाएंगे जब तक कि सेवई इसमें सॉफ्ट हो जाएगी और ये जो दूध है ये भी पूरा सूख जाएगा। देखिए, इसको चलाते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं, सेवई काफी हद तक हमारी पक गई है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं, हल्का सा इसे एक चम्मच से लेके हाथ से आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये सीज गई है या नहीं। अगर सॉफ्ट हो गई है तो इस पॉइंट पे हम इसमें चीनी डालेंगे। डालते हैं 1 कप चीनी। फ्रेंड्स, चीनी सेवई के सॉफ्ट होने पर ही डालें, वरना सेवई ठीक से गलेगी नहीं अगर आप पहले से डाल देंगे तो। डाल देते हैं थोड़ा सा केसर, अच्छे से इसे चलाना है, चीनी हमें अच्छे से खोलनी है और थोड़ी देर बाद ये मिक्सचर और गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, ये सेवई अब गाढ़ी हो गई है, चीनी अब अच्छे से हमारी घुल चुकी है और अब इस पॉइंट पे हम 2 मिनट और चला के कर देंगे गैस बंद। देखिए, ये सेवई एकदम रेडी है, ये अब हम गैस बंद कर देते हैं। इस सेवई को मैं निकाल देती हूँ एक बोल में। एक बोल में निकाल दिया है और ये कितनी अब ये बन के रेडी है और ये कितनी खूबसूरत लग रही है। इसे गार्निश कर देते हैं कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ। मेरे पास है कुछ आमंड्स और किशमिश, इसे मैं ऊपर से सजा देती हूँ। ये देख लिए, हमारी सेवियां एकदम रेडी हैं खाने के लिए।